वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल समय तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आपको पता है कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। आज वीडियो का अंदाज थोड़ा सा जोन सा वो मुख्तलिफ होने वाला है, थोड़ा सा फन वाला होगा, थोड़ा सा शुगल मेला होगा, साथ में जो है वो कुछ काम की बात भी करेंगे। तो रिसर्च टाइटल थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ वैकम टैबलेट की और उसके साथ माउस, यानी कि क्या आपको टैबलेट की जरूरत है या आपका गुजारा माउस पे हो सकता है। आने के लिए इतने सवाल आप लोगों ने मेरे से किए इंस्टाग्राम पे कि यार मैं पागल हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लें अच्छी सी, जो कि ताकि आपको सारी बातें जो उन सब वो मैं आराम से समझा सकूं। तो बेहतर अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो वहाँ पर आकर फॉलो कर लें, मुझे मैसेज कर लिया करें कोई बात करनी हो। तो देखिए मैंने कितने अच्छे अंदाज में जो उन सब इंस्टाग्राम के बीच में गुजर दिया अपना, तो यार फॉलो कर लो जाके जल्दी से। अच्छा, तो अब बात आती है ग्राफिक टैबलेट की और माउस की, इन दोनों में से क्या हमें चूज़ करना चाहिए, क्या चूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के मैंने जो उनसे वो इसी लिहाज से दो कैटेगरीज में मैंने डिफाइन किया, एक तो बजट के लिहाज से यानी कि आपके पास रोकड़ा कितना है उस हिसाब से आपने ख़रीदना टैबलेट, या आपकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं रोकड़े की या पैसे की। अच्छा, अब इसमें तीन चार किस्म के टैबलेट आते हैं, पहले आपको मैं उस बारे में बता दूं। एक आता है जो बिल्कुल जो सा वो स्टैंडर्ड मॉडल जिसको कहते हैं, जिसमें आपके पास एक पेन होता है, एक टैबलेट होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा सकूं तो ये इस तरह का कुछ टैबलेट होगा आपका। ठीक है जी, आपके पास ग्राफिक टैबलेट होगा, साथ में आपको जो सा वो एक पेन दे देंगे जिसके थ्रू आप इस पर ड्राइंग कर सकेंगे। ये हो गया बिल्कुल सादा वाला। इसके बाद जो अगली कैटेगरी आती है वो आती है थोड़े से हाई लेवल वाली। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपके जो टैबलेट होता है उसमें स्क्रीन आ जाती है इसके अंदर, यानी कि इस जगह पे जो है वो आपके स्क्रीन लगी होगी। अब स्क्रीन का क्या काम है, स्क्रीन का काम यह है कि आप उस टैबलेट को जो है वो स्क्रीन से लैपटॉप से कनेक्ट कर लें, अपने जो लैपटॉप की इमेज है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी और आप स्क्रीन पे देख के उसको ड्रा कर सकेंगे। थोड़ा सा शशका जो है ना उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, ये आईफोन प्रो हो गया ये वाला मॉडल। ठीक है जी, अगली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो ये आती है कि आपको बिल्ड इन पीसी जो है या बिल्ड इन लैपटॉप आपका इस टैबलेट के अंदर आ जाता है, तो तब आपको जो है वो किसी डेस्कटॉप की ज़रूरत नहीं रहती, आप उसके मोहताज नहीं रहते। आप जब चाहें जो है वो स्टैंड अलोन इसको जो है वो टैबलेट को पकड़ा, पेन पकड़ा और बैठ के कहीं भी ड्राइंग कर ली, क्योंकि उसके अंदर पीसी ऑलरेडी मौजूद होगा और आप अपने सोफे उसके अंदर कर सकेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ है। इसके बाद थोड़ी सी एक प्रो मैक्स लेवल आता है जो कि इसके साथ का कंपैरिजन के साथ ही होता है इसका, यानी कि जिसमें पीसी होता है और एक प्रो मैक्स वाला, इसके बताने लगा हूँ मैं। प्रो मैक्स वाले में ये होता है कि आप आईपैड खरीद लेते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला, शशका दिखाते हैं, एप्पल का लोगो दिखाते हैं, साथ में एक एप्पल पेंसिल ले लेते हैं, फिर आप कुछ सॉफ्टवेयर पे परचेज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा खर्चा करते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं प्रो क्रिएट का और वहाँ पर आप ड्राइंग कर लेते हैं। उसका काम और जो टैबलेट पीसी वाला होगा उसका काम तकरीबन सेम होता है, लेकिन ये कि टैबलेट पीसी वाला थोड़ा सा हैवी होगा और अगर आप बड़ी स्क्रीन पर जाएँ, जैसे कि अगर मोनीटर साइज़ की स्क्रीन पर चले जाएँ, तो आपके लिए आगे भी चले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पोर्टेबल चीज़ अगर देखें तो वो आईपैड होता है, लेकिन ये जेब पे बड़े भारी होते हैं, तो ये जो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली चीज़ें हैं ना, ये थोड़े से अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं, मेरे और आप जैसे मुश्किल अफोर्ड कर सकते हैं। हम चाइना वाले टैबलेट ले लेते हैं जो पेन वाले होते हैं। ठीक है, तो ये बजट के लिहाज से होके टाइप्स के किस किस टाइप के जो उनसे आपके पास टैबलेट आते हैं उनकी बजट रेंज क्या होती है। सबसे पहले वाला जो मैंने बताया वो सबसे कम बजट में होता है, सबसे ज़्यादा बजट वाला जो मैंने बताया है बाद में बताया वो ज़्यादा बजट वाला है। अच्छा, इसमें भी आगे चाइना का माल भी आता है, कोई मलेशिया का माल आता है, कोई आगे पीछे के आते हैं चीज़ें, तो उनकी भी प्राइसेस उस लिहाज से डिफर करती हैं। अगर कोई अच्छे ब्रांड का है तो वो थोड़ा सा महंगा होगा, जो चाइना का थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको। हर कैटेगरी में, यानी कि स्क्रीन वाले में, नॉन स्क्रीन वाले में, दोनों में जो उनसे आपको चाइना का माल भी मिलेगा और अच्छा वाला भी मिलेगा। अब ये वीडियो किसी से मुझे स्पॉन्सर नहीं की, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेने लगा इस वीडियो में, वरना मैं नाम ले लेता कि कौन सा वाला अच्छा वाला है, समझ रहे हो ना। अच्छा, ये तो मैंने बता दें आपको बातें सारी जो बजट के लिहाज से थी। अब आ जाएं इस चीज़ पे कि आपको ज़रूरत है भी या बस आपने हमें बस शशके के लिए ना एक वो दिखाते हैं ना, जब काफ़ी डिजाइनर अपना सेटअप तो उसमें टैबलेट पड़ा हो तो लगता है कि हाँ भैया अब बंदा प्रोफेशनल है, उससे पहले प्रोफेशनल नहीं था, चाहे जितना अच्छा मर्जी उसने काम किया, जितना अच्छा मर्जी काम किया, तो अब आपको ज़रूरत है क्या नहीं। अच्छा, इन बंदों को मैंने जो है वो तकरीबन दो किस्म के कैटेगरी में डिवाइड कर दिया मैंने। पहले वो जो डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर आप जैसे मेरे जैसे, खैर मैं तो नहीं हूँ, आप ज़्यादा अच्छे होंगे मेरे से, तो डिज़ाइनर में आ जाते हैं जनाबे वाला आपके लोगो डिज़ाइनर, या जो थोड़ा सा फ्लायर का काम करते हैं, ब्रोशर का काम करते हैं, थोड़ी सी फेसबुक की कवर पेजेस डिज़ाइन करते हैं, ये सारा कुछ, समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो इन चीज़ों के बारे में जो इन चीज़ों की जो डिज़ाइनिंग करते हैं उनको क्या टैबलेट की ज़रूरत है, मेरा नहीं ख्याल उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो उसके बगैर भी जो उनसे वो सारा काम कर सकते हैं। वो सिंपल एक माउस ले लें अगर 200-300 रुपए का, तो उससे भी ये सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि सारी गेम जो सा वो अंदर दिमाग में चल रही होती है, माउस से भी आप वही चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा डिज़ाइनर हैं और पोर्ट्रेट टचिंग या फोटोशॉप के अंदर इलस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं, तब आप माउस आपका काम नहीं करेगा, तब आपको टैबलेट की तरफ आना ही पड़ेगा जो मर्जी हो जाए, क्योंकि आप माउस से उस तरह की लाइन नहीं बना सकते जो कि आप टैबलेट से बना सकते हैं।
अच्छा ये तो पहले वाले ओके जो डिज़ाइनर होते हैं जिन्होंने सिर्फ लोकल डिज़ाइन पे काम किया है, हाँ लोकल डिज़ाइनर वाले भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें, उसका फ़ायदा उनको ये हो जाएगा अगर उनके पास बजट उनका अलाउ करता है तो लें, वरना ज़रूरत नहीं है। उसका फ़ायदा उनको ये हो जाएगा कि जैसे वो थंबनेल स्केचिंग करते हैं किसी पेपर के ऊपर, पेंसिल और पेपर लेके सामने स्केच बनाते हैं, वो उनसे उनकी जान छूट जाएगी, थोड़े से उनसे फोटोशॉप खोल के एक स्टाइलिश वे में ना वो फोटोशॉप के अंदर ड्रा कर लेंगे थंबनेल स्केच और उसको डायरेक्ट इलस्ट्रेटर के अंदर इंपोर्ट करके लोगो वेक्टर फॉर्म में ले आएंगे, उनके लिए ये फ़ायदा हो सकता है टैबलेट का। इसके अलावा मुझे अब तक जो उनसे उसके लिए कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता अनटिल एंड अनलेस आपने इलस्ट्रेशन या पोर्ट्रेट रीटचिंग या इन चीज़ों में जाना हो, वरना उसके अलावा लोगो डिज़ाइनिंग अगर आपने करनी है तो आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब दूसरे वाले बंदे आ जाते हैं जो कि इलस्ट्रेशन वाले बंदे हैं। अच्छा भाईजान, आपके लिए भी एक आपके पास मैंने सस्ता टोटका रखा हुआ है और एक थोड़ा सा जोन सा वो आपको कड़वा गूंद भरना पड़ेगा। सस्ता टोटका ये है कि अगर आप इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यार बजट नहीं है कोई मसला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इलस्ट्रेशन नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप इलस्ट्रेशन, आप माउस से कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर बड़ा अच्छा टूल है पेन टूल, उसके मदद के थ्रू आप आराम से जोन सा वो जिस तरह की चाहें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप काम कर सकते हैं। ये एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि जी मेरे पास टैबलेट नहीं है तो मैं ड्राइंग नहीं कर सकता, ये सब बकवास है, ऐसे कुछ नहीं होता। अगर आपका शौक है आपको लगन है काम करने की तो आप पेन टूल से भी बड़ी अच्छी इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। ठीक है जी, अब जो लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करें टैबलेट के अंदर, जो इलस्ट्रेटर्स हैं या इलस्ट्रेशंस करते हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। अच्छा उनके लिए बात ये करती है कि जी आपको जो उनसे वो वाकई ज़रूरत है, अगर आप काफ़ी अच्छे से ड्राइंग करते आ रहे हैं, अगर आप पेपर और पेंसिल पे अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं तब आप डेफिनेटली जो उनसे वो इन्वेस्ट करेंगे हाफिक टैबलेट के अंदर। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा, जिस तरह आप पेन और पेपर लेके एक ड्राइंग कर लेते हैं अच्छी खासी, आपको वही वाली जो सा एनवायरनमेंट जो सा वो टैबलेट और पेन प्रोवाइड करता है। अगर आप माउस के में आते हैं तो आप माउस उस तरह मूव नहीं कर पाते, आप अगर सीधी लाइन लगा लेंगे लाइन टेढ़ी लग जाएगी तो वो थोड़ा सा मसले आते हैं, लेकिन उसको कवर करने के लिए टैबलेट आ गए हैं, आप टैबलेट खरीदें और आपकी तकरीबन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उस पर स्पेंड करें, थोड़ा सा टाइम आप उसको देखें कि किस तरह जो सा वो टैबलेट चलेगा, किधर लाइन लगा रहे हैं तो किधर जा रही है, सज्जे ला रहे हैं तो खब्बे जा रही है, वाले काम होंगे थोड़ी देर तो उसके बाद काम सेट हो जाएगा सारा। अच्छा जी, अब अगली बात आती है कि जी टैबलेट कौन सा लें, ये आपका टोटली डिपेंड करता है बजट पे कि आपका बजट कितना है और आपका शौक कितना है, या आप उसको क्या कहते हैं कि आपने एक टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है या आप बाद में अपग्रेड कर लेंगे उस चीज़ को। अब ये भी जोन सा ना वो थोड़ा सा आपका बिगिनर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है या एडवांस लेवल है, उस हिसाब से आपने देखना है कि कौन सा टैबलेट लेना है। अगर आप बिल्कुल शुरू में हैं, बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप चाइना का टैबलेट ले लें कोई सस्ता सा, उस पे अपना हाथ साफ कर लें कम अज़ कम। ठीक है, जब आपका हाथ साफ़ हो जाएगा आपको पता चलेगा कि टैबलेट यूज़ कैसे करना है, इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, आपको थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशन करनी आ जाएगी, इलस्ट्रेशन करके थोड़ी बहुत आप सर्विसेज बेचेंगे, थोड़े से पैसे आएंगे, वो वाले पैसे आप जो सा थोड़े से अच्छे टैबलेट में इन्वेस्ट कर लें। अब अच्छा टैबलेट कौन सा है जो कि अच्छे ब्रांड का है, बहुत सारे ब्रांड आ रहे हैं लेकिन आपको पता है कि सबसे अच्छा ब्रांड कौन सा है और मैं उसी में ही रिकमेंड करूँगा कि करें। ठीक है, उसका नाम है वैकम, मुझे पैसे नहीं दिए वैकम ने ये बात बोलने के, लेकिन वैकम के टैबलेट सबसे अच्छे होते हैं। तो आपके पास अगर पैसे आ गए हैं तो आप वैकम वाले टैबलेट में लाजमी इन्वेस्ट करें। अब वैकम में भी किस में इन्वेस्ट करना है, सिर्फ पेन वाले में करना है, स्क्रीन वाले में करना है, या जिसमें कंप्यूटर हो उसमें करना है, यार ये आपकी अपनी मर्जी है। आपको अगर जेब गुंजाइश देती है तो आप जो सा कंप्यूटर वाला ले लें, आपको अगर जेब गुंजाइश दे रही है तो आप स्क्रीन वाला ले लें, अगर आपको जेब गुंजाइश दे रही है तो सिंपल वाला ले लें। ठीक है जी, तो शशके थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है थोड़ी सी आसानी हो जाती है जब आप स्क्रीन वाले में जाते हैं या कंप्यूटर वाले में जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है और आप कंप्यूटर वाले में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आईपैड की तरफ चले जाएँ, क्योंकि आईपैड ज़्यादा बेहतर रहेगा बनस्पता अगर आप वैकम इतना महंगा लेंगे, वो भी तकरीबन आपको $1,000 से ऊपर ही सारी चीज़ें पड़ेंगी अगर आप स्क्रीन की तरफ जाना चाहते हैं। तो यह छोटी सी वीडियो थी जिसे मैंने सारा कुछ बता दिया कि क्या आपको टैबलेट की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर ये वाला स्टाइल आपको पसंद आया कि यार शुगल मेले में बातें की जाएँ थोड़ी सी, तो यार मुझे जल्दी से कमेंट में बता दें और वीडियो कैसी लगी वो भी बता दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।